वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम हेल्थ केयर टिप्स। मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। आज इस वीडियो में हम कॉलीफ्लावर वेज करी बनाना सीखेंगे, गोभी की सब्ज़ी बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोभी की सब्ज़ी हम कैसे बनाएं? अगर बड़ी गोभी हो तो उसे आधा कट कर ले। आपके फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप जितना बनाती हैं उसके हिसाब से उसे कट कर लेना। और हम इस वक्त जिस वक्त हम कट करते हैं उसे ज़्यादा बारीक ना करें, बिल्कुल ऐसे ही उसे खोल ले तो बहुत अच्छा लगेगा कुकिंग के बाद जब वो रेडी हो जाएंगे। हम इस गोभी में कुछ आलू भी कट करके छोटे छोटे पीसेस करके हम उसे गोभी में मिक्स कर देंगे। और हम इस गोभी को थोड़ा गर्म पानी से वॉश कर लेंगे, थोड़ा गर्म पानी में डाल कर रखेंगे। और अब टमाटर रेडी कर लेंगे हम कट करके। जितना आपको आपकी फैमिली के मेम्बर के हिसाब से, जो आप जितने कॉलीफ्लावर लेंगे, जितना आप गोभी लेंगे उसी के हिसाब से आप टमाटर भी यूज़ करें। यहाँ मैं चार लोग के लिए बना रही हूँ तो आप मैंने 4 टमाटर यूज़ किया है। और अगर आप चाहते हो कि आप टमाटर ज़्यादा यूज़ ना करें तो आप 1-2 टमाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। चले हम एक ऑनियन लेंगे, एक प्याज की डली लेकर हम उसे कट कर लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये वेज करी है। अगर आप इसमें मटन मिक्स करना चाहती हो तो मटन से भी आप गोभी का सलाद बना सकती हो। जैसे हमें ऑनियन वॉश किया है उसी के साथ हम मटन को भी वॉश कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। सेम तरीका वही रहेगा जो इसमें बता रही हूँ, सिर्फ हम उसे मटन ऐड करना होता है ऑनियन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून डाला है और मिर्ची आप अपने हिसाब से, और हल्दी, ऑयल, जो भी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ किया है आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नमक, मिर्च, जो आपको जितनी ज़रूरत पड़े उतनी लोग के हिसाब से आप ऐड कर लेना, जितने मेम्बर के हिसाब से आप बना रहे हो। और अब हम इसमें थोड़े से कोरिएंडर, जो ग्रीन चिली है, कोथमीर और हरी मिर्च, उसको ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। जब ये गोल्डन, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, हम इसमें टमाटर भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अगर सीधे ही वेजल भी दे सकती है आप, सीधा चढ़ा भी सकते हैं, कुकर का ढक्कन लगा कर आप बना भी सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आएगा, अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा वाटर ऐड कर ले और उसे कुछ सीटी होने दें। उसके बाद हम जो वॉश किया हुआ हमारा जो कॉलीफ्लावर जो गोभी है, गोभी और आलू, उसको देखिए टमाटर अच्छे से भुने गए हैं, अच्छे से पूरा ग्रेवी बनकर आ गया है। तो आप अब उसे ऐड कर लेना और मिक्स बहुत अच्छे से कर लेना। देखिए अब आप उसे अच्छे से मिक्स करके हम उसे ढक्कन लगा देते हैं और 1 या 2 विजिल होने देते हैं और अच्छे से उसे भून लेते हैं। जब निकाल कर देखेंगे तो अगर गल जाएगी आलू वगैरह तो हम उसमें दही ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम उसे थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालने से भी बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इस गोभी में। ये रही वेज करी, कॉलीफ्लावर वेज करी या गोभी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी हैं। अगले हफ्ते मैं आप लोगों के लिए हैदराबादी स्पेशल, रमज़ान स्पेशल, हैदराबादी बेस्ट डिशेस लेकर आऊँगी जो यहाँ की बहुत फेमस है। और देखिए ये रेडियो, आप चाहो तो इसे आप पराठे के साथ यूज़ कर सकते हो और राइस के साथ भी, चावल के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हो। ब्रेकफास्ट पर आप लो तो पराठे के साथ ज़्यादा अक्सर लोग खाते हैं, गोभी की सब्ज़ी में राइस के साथ। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और